दोस्तों ऋषभ पंत ने गुजरात के गेंदबाजों की कर दी जबरदस्त धुलाई और दोस्तों तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड जिया दोस्तों आईपीएल का 40वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जहाँ इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीते ही गेंदबाजी चुनी और दोस्तों शुरुआत में उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ था हालांकि दोस्तों शुरुआत में पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेशर ने इस मैच में दिल्ली को शुरुआत काफी आक्रमक अंदाज में करवाई थी लेकिन दोस्तों एक ही ओवर में ये दोनों बल्लेबाज आउट हो गए थे और दोस्तों इनको चौथे ओवर में संदीप वॉरियर ने आउट करा था जहां पहले जैक फ्रेशर चौदह गेंदों में तेईस रन बनाकर आउट हुए थे तो इसी ओवर में पृथ्वी शॉय ग्यारह रन बनाकर संदीप वॉरियर की गेंद का शिकार बने थे जहाँ इसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल उतरे और दोस्तों अक्षर पटेल को आज के मैच में ऊपर भेजा गया था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और काफी शानदार बल्लेबाजी करी लेकिन दूसरी तरफ संदीप वॉरियर ने शाई होप को भी आउट कर दिया था और वो केवल पांच रन बनाकर आउट हुए थे और दिल्ली के तीन बड़े विकेट चौवालीस रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान ऋषभ पंत उतरे और दोस्तों ऋषभ पंत ने इसके बाद इस मैच में पूरी तरह एक के बाद एक शानदार छक्के चौके मारे और दोस्तों अक्षर पटेल के साथ मिलकर इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए एक रनों की तूफानी पार्टनरशिप करी थी और ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में अपना अर्शतक पूरा कर चुके थे और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में दिख रहे थे जिससे इस मैच में दिल्ली की टीम ने एकदम से काफी जबरदस्त वापसी करी थी जहां शुरुआत में तो गुजरात का पलड़ा भारी दिख रहा था लेकिन इन दोनों की शानदार बैटिंग के बाद पूरी तरह मैच पलट गया हालांकि दोस्तों इस पार्टनरशिप को एक रन के स्कोर पर नूर अहमद ने तोड़ा और अक्षर पटेल इस मैच में तिरालीस गेंदों में चार छक्के पांच चौकों की मदद से छियासठ रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे जहां इसके बाद आखिरी में बल्लेबाजी करने ट्रिस्टन स्टैप उतरे और दोस्तों उन्होंने तो इस मैच में पूरी तरह सात गेंदों में दो छक्के तीन चौकों की मदद से छब्बीस रनों की विस्फोटक पारी खेली जिस वजह से से इस मैच में दोस्तों दिल्ली का स्कोर काफी तेजी से आगे भागा लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में तो ऋषभ पंत ने पूरी तरह कमाल कर दिया क्योंकि दोस्तों मोहित शर्मा की आखिरी ओवर में इन्होंने चार छक्के मारे और एक चौका मारकर पूरी तरह इकतीस रन बटोर लिए थे आखिरी ओवर से और इस वजह से दिल्ली की टीम ने पूरे बीस ओवर खेल कर 224 रन बनाए थे चार विकेट के नुकसान पर जहाँ इस मैच में ऋषभ पंत तिरालीस गेंदों में आठ छक्के पांच चौकों की मदद से अट्ठासी रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे जहां उनकी स्ट्राइक रेट 204 की थी जहां संदीप वॉरियर ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करी और उन्हें तीन ओवरों में केवल पंद्रह रन पड़े थे और उन्होंने तीन बड़े विकेट भी अपने नाम किए थे तो नूर अहमद को एक विकेट हाथ लगा जहाँ इस मैच में मोहित शर्मा काफी महंगे साबित हुए उन्होंने अपने चार ओवर में पूरे तिहत्तर रन लुटाए थे अब दोस्तों गुजरात को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 225 रन बनाने थे और जब इसके बाद गुजरात की टीम टारगेट का पीछा फिरने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी क्योंकि दोस्तों तेरह रन के स्कोर पर एंड्रिक नोकिया ने कप्तान गिल को आउट कर दिया था और गिल केवल छह रन बनाकर आउट हुए थे लेकिन दोस्तों इसके बाद साई सुदर्शन और वृद्धिमान शाह ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और बयासी रनों की शानदार पार्टनरशिप करके इस मैच में गुजरात की जबरदस्त वापसी करा दी थी लेकिन दोस्तों इसी बीच पंचानवे रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने वृद्धिमान साह को आउट कर दिया था और दोस्तों वो उनतालीस रन बनाकर आउट हुए थे तो इसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने हजबदुल्ला को आउट कर दिया था और वो एक रन बनाकर आउट हुए जहां इसके बाद बैटिंग करने डेविड मिलर उतरे इसी बीच साय सुदर्शन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्शतक पूरा कर डाला था लेकिन दोस्तों शायद सुदर्शन को 121 रन के स्कोर पर राशिक सलाम ने आउट कर दिया और दोस्तों साय सुदर्शन उनतालीस गेंदों में पैंसठ रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे जायज के बाद शाहरुख खान बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने आते ही शानदार छक्का लगा दिया था लेकिन दोस्तों उनको भी राशिद सलमान ने आउट कर दिया और वो आठ रन बनाकर आउट हुए तो दोस्तों इसके बाद एक रन के स्कोर पर राहुल तिवतिया को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया था और तिवतिया चार रन बनाकर आउट हुए थे जहां इसके बाद सारी उम्मीदें डेविड मिलर और राशिद खान पर टिकी थी और आखिरी चार ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात को तिहत्तर रन बनाने थे और दोस्तों इसके बाद हमें डेविड मिलर का कमाल देखने को मिला क्योंकि इसके बाद डेविड मिलर ने इस मैच में एक के बाद एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 22 गेंदों में अपना अर पूरा कर डाला था और इस मैच में गुजरात की जीत को पूरी तरह पक्का कर दिया था लेकिन दोस्तों इसके बाद एक सौ इक्यासी रन के स्कोर पर मुकेश कुमार ने उन्हें आउट कर दिया और दोस्तों मिलर पचपन रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए जहां इसके बाद शाही किशोर ने एक के बाद एक दो बड़े छक्के मारे लेकिन राशिद सलमान ने उन्हें आउट कर दिया था और वो तेरह रन बनाकर आउट हुए जहां इसके बाद आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात को उन्नीस रन बनाने थे और दोस्तों आखिरी ओवर मुकेश कुमार डालने आए और मुकेश कुमार ने इस ओवर में केवल चौदह रन दिए और दोस्तों ये मुकाबला दिल्ली की टीम पूरे चार रनों से जीती जहां राशिद खान दस गेंदों में इक्कीस रन बनाकर नॉट आउट रहे और दोस्तों ये मुकाबला दिल्ली ने केवल चार रनों से जीता